इस मूवी में एक 18 साल का लड़का, जिसके लिए उन्होंने अभी अभी खड़ा होना ही सीखा था, अब उस 18 साल के लड़के को एक ऐसी औरत से प्यार हो जाता है जिसके पीछे पूरा शहर पागल था। अब देखना यह है कि उस लड़के को वो बिल्ली मिल भी पाती है या नहीं, जिस बिल्ली के पीछे पूरा शहर पड़ा हुआ है। वैसे बिल्ली का मतलब यहाँ पे कुछ और है। तो आओ यार, बिना और किसी बकचोदी के एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग मलेना नाम की एक औरत को देखते हैं जो की बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। हम लोग देखते हैं कि इटली के एक छोटे से शहर में वो औरत रहती थी और उस शहर का एक एक आदमी मलीना को पाना चाहता था। उसी शहर में एक रेनाटो नाम का लड़का रहता था जिसके फादर ने उसे अभी एक नई नई साइकिल दिलाई है और वो साइकिल को दिखाने के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है। अब जैसे वो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, उसके दोस्त उससे कहते हैं कि अभी कुछ ही देर में मलीना यहाँ से गुजरने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं मलीना का इस पूरे शहर में बड़ा नाम हो चुका था क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हम लोग देखते हैं ये लोग मलीना का वेट करते हैं और कुछ देर बाद वहां से मलीना गुजर रही होती है और सच में जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब उसकी खूबसूरती को देखते देखते रेनाटो का जो नन्नू था वो उल्टियां करने लगता है। अब आपको पता है कि उल्टियों का मतलब क्या है दोस्तों। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके जो दोस्त थे वो यहाँ पे एक दूसरे कट पे चले जाते हैं क्योंकि अब मलीना उस कट से गुजरने वाली थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेनाटो उसे सिर्फ देखता ही रह जाता है। रेनाटो जहाँ पे भी देखता, जहाँ पर भी सोचता, तो उसे सिर्फ मलीना ही याद आती क्योंकि उसके दिमाग में मलीना ही बस चुकी थी। कभी कभी तो रेनाटो मलीना को सोच के रात में हिला भी लिया करता था क्योंकि उसके अंदर जवानी के चार बीज पनपने लगे थे। एक दिन रेनाटो मलीना के घर के बाहर खड़ा होता है। वो सोचता है कि मलीना उसे बुलाएगी, उसके साथ गपागप करेगी। पर हम देखते हैं कि वहां पे मलीना आती है जो कि रेनाटो को अपने पास बुलाती है, उसको एक सिक्का देती है। पर जैसे वो सिक्का लेने जाता है वो उस सिक्को को अपने पैरों में फेंक देती है और रेनाटो उसके पैरों को अच्छे से देख लेता है। पर तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि रेनाटो की आंखें खुलती हैं और वो सिर्फ एक इमेजिनेशन सोच रहा था। हाँ, तो मेरे ठरकी व्यूअर्स, मुझे पता है कि जैसे तुम लोग खाली पड़े पड़े अपने मन में पड़ोस वाली भाभी के लिए वो सब करते हुए इमेजिनेट करने लगते हो, अब वैसा यहाँ पर रेनाटो के साथ हो रहा था। वो भी ये सब चीजें इमेजिनेट कर रहा था। अब रेनाटो इतना बड़ा ठरकी हो चुका था कि उसे मलीना को देखे बिना रहा नहीं जाता। वो खिड़की में से मलीना को देखा करता था और अपने नन्नू को हिलाया करता था। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पे हमें पता पड़ता है कि मलीना का जो हस्बैंड था वो आर्मी में था और मलीना अपने घर पे सिर्फ अकेली रहा करती थी। अब क्योंकि मलीना जो है वो अकेली रहा करती थी तो उसके इस बात के चर्चे पूरे शहर में ये होने लगे थे कि उसके कई मर्दों के साथ अफेयर है। अब ये बात जैसे रेनाटो को पता पड़ती है तो वो पहले तो सदमे में रह जाता है और वो इस बात का प्रूफ लेने के लिए मलीना के ऊपर नजर रखने लगता है। हम लोग देखते हैं वो उसे देखा भी करता था कि उसके घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि पूरे शहर के आदमियों की नजर मलीना के ऊपर थी और ये बात मलीना को पता था क्योंकि वो लोग सिर्फ उसके साथ अपनी हवस मिटाना चाहते थे। क्योंकि मलीना जब भी अपने घर से बाहर निकला करती थी, सारे लोग सिर्फ उसे ही देखने लगते थे और उसे ही फॉलो करने लगते थे। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि मलीना को खबर मिलती है कि उसके हस्बैंड एक वॉर में शहीद हो गए। अब ये खबर सुन के मलीना पूरी तरह से टूट जाती है और वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अपने फादर के साथ रहने लगती है। अब क्योंकि मलीना सच में अकेली हो गई थी तो इसके चलते उसके शहर में और भी कई गलत अफवाहें फैलने लगी थी। अब वो अफवाह ये थी कि लोग उसके बारे में अफवाह फैला रहे थे कि उसका तो सच में दूसरे लोगों के साथ भी अब भी अफेयर चल रहा है। अब एक दिन मलीना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा था कि मलीना का एक दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये खबर सुन के मलीना के फादर मलीना को अपने घर से निकाल देते हैं, उसका बोरिया बिस्तरा भी बाहर फेंक देते हैं। मलीना वापस अपने घर पे आ जाती है। अब उसके पास खाने कमाने का भी कोई और भी साधन नहीं था। हम लोग देखते हैं कि रेनाटो एक दिन मलीना के ऊपर जासूसी कर रहा था, तभी वो देखता है कि मलीना का सच में एक आर्मी ऑफिसर के साथ चक्कर चल रहा है। अब जैसे वो ऑफिसर बाहर निकलता है, बाहर एक डॉक्टर मिलता है और वो डॉक्टर उससे कहता है कि मैं मलीना का फियांसे हूँ। अब ये बात सुनकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और तभी वहां पे पुलिस आ जाती है। पुलिस यहाँ पे मलीना को भी पकड़ लेती है। मलीना को यहाँ पे ये आरोप लगाया जाता है कि उसका एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। अब वो इस केस से बाहर निकलने के लिए एक लॉयर की हेल्प लेती है। अब वो लॉयर मलीना को बाहर तो निकलवा देता है इस केस से, पर लेकिन इसके बदले में वो लॉयर मलीना के साथ घपाघप करना चाहता था। अब उस वकील के साथ ये सब करने के लिए मलीना मान भी जाती है और उन दोनों को ये सब करता देख वहाँ पर रेनाटो देख लेता है, जिसके बाद वो पेड़ की झाड़ी से नीचे गिर जाता और अपने हाथ पैर को तोड़वा लेता है। हम लोग देखते कि रेनाटो जहाँ पे भी देखा करता था उसे सिर्फ मलीना ही नजर आया करती थी। रेनाटो हर वक्त सिर्फ मलीना की यादों में ही खोया रहता था। अब एक दिन हम लोग देखते कि जिस सिटी में लोग रहते थे वहाँ पे दूसरी कंट्री के लोगों ने हमला कर दिया था और इस हमले में मलीना के जो फादर थे उनकी हत्या हो जाती है। उनकी हत्या के बाद मलीना पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। अब सरकार के द्वारा मलीना को जो पैसे मिलते थे उसके खर्च के लिए, अब उसे वो भी नहीं मिल रहे थे क्योंकि उसके ऊपर जो केस चल रहा था उसकी वजह से सरकार उन्हें ये पैसे नहीं दे रही थी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मलीना की जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल में चल रही थी और वो एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेती है। वो ये डिसीजन लेती है कि वो एक वेश्या बनेगी और अपना एक कोठा खोलेगी। वो अपने डिसीजन पे बिल्कुल भी नहीं पछताती क्योंकि उसे पता था कि इस शहर को जो चाहिए वो चीज मलीना के पास है, यानी कि उसकी बिल्ली, क्योंकि लोग उसकी बिल्ली के दीवाने थे। अब हम देखते हैं कि मलीना इस काम को स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद पूरे शहर के लोग उसके पास आ जाते हैं
यहाँ पर हम देखते हैं ये बात जैसे ही रेनेटो को पता पड़ती है तो उसके फादर भी उसकी चिंता में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया और वो उसे अलग अलग फादर से भी दिखवाते हैं पर वो फिर भी ठीक नहीं होता। तब हम देखते हैं कि रेनेटो के फादर को उसकी जो असली बीमारी है वो पता पड़ जाती है, तो वो अपने बेटे को कुछ वेश्या के पास ले जाते हैं ताकि वो उसका गेम बजा सके और वो फ्रेश हो सके। हम लोग देखते हैं रेनेटो जब भी किसी लड़की को भी पेलता था तो उसमें उसे मलीना ही नजर आया करती थी। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि पूरे शहर की लड़कियां मलीना को बुरी तरह से मार रही हैं, पीट रही हैं। पीटने की वजह से मलीना की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि जो रेनेटो था वो भी सदमे में चला जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि मलीना का असली हस्बैंड था। हमें यहाँ पर पता पड़ता है कि वो अभी मरा नहीं था और जंग में उसका सिर्फ एक हाथ घायल हुआ था। हम लोग देखते हैं वो वापस अपने घर आ जाता है और घर आते हुए वो देखता है कि उसका घर तो एक वेश्या खाना बना हुआ है जहाँ पर लोग मलीना को पेलने के लिए अपनी अर्जियां लगा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग उस आदमी को बताते हैं कि मलीना पैसा कमाने के लिए घपाघप किया करती है। अब ये बात सुनकर रेनेटो को बहुत बुरा लगता है और वो रात को एक लेटर लिखता है उस आदमी के लिए। अब उस लेटर में ये लिखा था कि ये जो लोग हैं ये सब मलीना के बारे में झूठ बोल रहे हैं और मलीना तुमसे अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब वो आदमी मलीना को ढूंढने के लिए निकल जाता है और कुछ दिन बाद वो मलीना को लेकर अपने साथ अपने ही सिटी में आता है जहाँ पर सारे लोग उसे देख के हैरान थे और सभी लोग उसे एक रिस्पेक्ट की नजरों से देख रहे थे। यहाँ तक कि वो औरतें भी उसे रिस्पेक्ट की नजरों से देख रही थी जिन्होंने मलीना को मारा था। अब हम लोग रेनेटो को देखते हैं जो कि मलीना को आखिरी बार देखता है और उसकी आने वाली लाइफ के लिए उसे गुड लक कहता है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मूवी अब खत्म हो चुकी है तो चलो यार इस वीडियो को एक लाइक ठोक दो। तुम्हारी एक लाइक से मैं कैरी मिनाटी तो बनने नहीं वाला पर लेकिन मुझे उससे एक मोटिवेशन मिलेगी जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।